बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आपको हम लेसन टू के बारे में पढ़ाएंगे। लेसन टू में क्या है, आप इस प्रकार देख रहे हैं कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। सेकंड लेसन में क्या आ गया है, पुष्पीय जो पादप होते हैं उनमें आपको क्या पढ़ना है, लैंगिक जनन पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे, निषेचन पूर्व घटनाएं एवं निषेचन। ये आपका लेसन टू में आपका है, इसको आपको पढ़ना है। और इसके क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर साल इसी में से आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हो, शॉर्ट क्वेश्चन है, इसलिए ये आपका जो सेकंड लेसन है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, आपको जो फूल दिया जाएगा, फ्लावर दिया जाएगा, ठीक है, उसके बारे में आपको स्टडी करना है, पढ़ना है। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या देखना है, आप यहाँ पे एक फूल देख रहे हैं, एक पुष्प की संरचना देख रहे हैं। इसमें लिखा है, क्या लिखा है, पुष्प की संरचना। अब कौन सा पुष्प है, तो हमने यहाँ पर नाम लिखा रखा है, गुड़हल का फूल है। तो आपने आसानी से गुड़हल का फूल देखा होगा, लगे होंगे, ठीक है, उसी का डिसेक्शन होता है, इसी का पेटिकल होता है, इसी के क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए आप यहाँ पर देखिए, इसका जो बॉटनिकल नेम होता है इसको बोलते हैं हिबिस्कस रोजा। हिबिस्कस रोजा इसका बॉटनिकल नेम है, गुड़हल का। आप लोग फूल देखना और इसके बारे में आपको बताएँगे कि क्या कंडीशन होती है, इसमें क्यों पढ़ते हैं। इसमें आप आगे देखिए, यहाँ पे कुछ लिखा है, क्या लिखा है, इसमें लिखा है पुष्प की संरचना। क्या लिखा है, पुष्प की संरचना लिखी है ये। तो इसमें आप देख रहे हैं, एक पूर्ण पुष्प में मुख्य रूप से चार चक्रीय भाग होते हैं। अगर जिस फ्लावर में पुष्प में चार चक्रीय भाग हैं तो उसे क्या बोलेंगे, उसे कम्प्लीट फ्लावर बोलेंगे, एक पूर्ण पौधा बोलेंगे, ठीक है। अगर चार से कम हैं तो वो पूर्ण पौधा उसको नहीं बोलेंगे, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक पूर्ण पुष्प या पौधा जिसमें चार चक्री भाग होते हैं। आप यहाँ पर देखिए, पहला चक्र है बाह्य दल पुंज, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैलेक्स बोलते हैं। तो इसको आप देखें, इसको हम पढ़ाएंगे कि बाह्य दल पुंज गुड़हल के फूल में कहाँ पर होता है, तो आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ देखिए, ये डायग्राम दिया है, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, देखो ये लिखा है पहला भाग, ये लिखा है बाह्य दल पुंज। आप फ्लावर देखेंगे गुड़हल के फूल का, जो नीचे का जो भाग होता है ये वाला, ये कैसा होता है, ये हरा होता है, ठीक है। ये फूल का कैसा भाग होता है, ये हरा भाग होता, इसको बाह्य दल पुंज कहते हैं। तो बाह्य दल पुंज में क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यह पुष्प की सबसे बाहरी प्रथम चक्र है, ठीक है। तो पहला चक्र हो गया पुष्प का बाहरी, इसकी इकाई को क्या बोलते हैं, बाह्य दल बोलते हैं, यानी क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेपल। क्या बोलेंगे, इसको सेपल बोलेंगे, बाह्य दल बोलेंगे। तो ये प्रायः हरे रंग के होते हैं, जैसे मैं आपको बताया था कि ये आपके यहाँ पर जो आप देख रहे हैं बाह्य दल पुंज, ये कैसे होंगे, ये आपके हरे रंग के पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा भाग यहाँ पे देखें, दूसरा भाग दिया है आपका दलपुंज का, तो दलपुंज को बोलते हैं कोरोला। तो आपको बताएंगे दलपुंज कहाँ पे है, कोरोला कहाँ पे है, आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है दलपुंज। क्या लिखा भैया, ये लिखा है दलपुंज लिखा है। तो आप जैसे गुड़हल के फूल को देखेंगे, जो बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं रेड कलर की, उनको दलपुंज कहते हैं। तो दलपुंज में यहाँ पर लिखा है इकाई दल रंगीन, तो अंदर का भाग कैसा होता है, कलरफुल होता, संयुक्त होते हैं, और यह पृथक होते, ये अलग अलग होंगे या चिपके होंगे, तो उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें दलपुंज कहते हैं। तो दलपुंज के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, यह पुष्प का दूसरा चक्र है, दूसरा भाग होता है, इसकी इकाई को क्या बोलेंगे, दल बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे अपन लोग, इसको दल बोलते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, ये रंगीन होता है, कलरफुल होते हैं, इसी रंग को देख करके जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, वो आकर्षित होकर के पौधे पर बैठ जाते हैं, ठीक है। तीसरा भाग देख रहे हैं आप लोग, तो तीसरा भाग है आपका यहाँ पर पुमंग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंड्रोसियम। तो जो पुमंग है ये आपका होता है नर भाग होता है, क्या होता है भैया, ये नर भाग होता है, जिसमें जनन अंग पाए जाते हैं,
तो आप यहाँ पर देखेंगे तीसरा भाग दिया है, ये दिया आपका पुमंग, यानी क्या दिया, पुमंग दिया है, इसे पुंकेसर कहते हैं। इस इनमें दो भाग होते हैं, पहला तो होता है आपका परागकोष, दूसरा होता है पुतंतु। परागकोष आप देख रहे हैं एक घुंडी की आकृति संरचना है, यदि घुंडी की आकृति क्या है संरचना आप डायग्राम देखना या फ्लोवर लेना, उसमें घुंडी जैसी संरचना पाई जाती है। और जो आप डंडी देख रहे हैं इसको पुतंतु कहते हैं। तो जो पुंकेसर है ये आपका तीसरा भाग क्या है, नर भाग है। नर भाग में दो भाग होते हैं, एक तो होता है परागकोष, एक होता है पुतंतु। ठीक है, अब आप बात करेंगे यहाँ पे चौथे भाग की। चौथा भाग है जायांग, इसे बोलते हैं गायनोसियम, यानी कि ये आपका कैसा है, मादा भाग है। क्या है भैया, मादा भाग है, जिसमें मादा जनन अंग पाए जाते हैं। तो ये नर जनन अंग हो गया, ये आपका मादा जनन अंग हो गया। तो एक ही पौधों में जब नर और मादा, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे हम यहाँ पे नर और मादा दोनों हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे द्विलिंगी पौधा। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों हैं आपके, एक तो नर है और एक मादा है, दोनों आपके क्या हैं, पाए जाते हैं। आप यहाँ पर देखें जो आपका चौथा भाग है जायांग, जिसका नाम होता है स्त्री केसर, तो स्त्री केसर में तीन भाग होते हैं, कितने होते हैं, एक दो और तीन। पहला भाग होता है वर्तिकाग्र, आप यहाँ पे जब फूल देखेंगे ऊपर एक इस प्रकार से एक डंडी सी गई होगी, नली सी गई होगी, ऊपर वाला जो भाग जो घुंडी आप देख रहे हैं उसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, और जो बीच वाला जो पार्ट होता है उसको वर्तिका बोलते हैं, और जो अंडाशय होता है नीचे का भाग होता है उसको अंडाशय, यानी कि तीन भाग बोलेंगे, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। ठीक है, तो ये क्या नाम हो जाएगा, स्त्री केसर हो जाएगा। ये इस फ्लावर का मीन्स चौथा भाग है, मादा जनन अंग है, इसमें तीन भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। और आपका जो तीसरा भाग है जो नर भाग होता है, इसमें दो भाग होते हैं, परागकोष और पुतंतु। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये पुष्प की संरचना है, इसको आपको बनाना है, इसके बारे में लिखना है। हमने आपको इसमें चारों भाग आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब इसमें हम एक चीज़ पढ़ाएंगे, जनन के जो नर होता है, नर के जो पुतंतु, यानी कि जो पुतंतु ये परागकोष होते हैं, जो परागकण पाए जाते हैं, इसके अंदर परागकण भरे होते हैं, वो इसके अंदर कैसे जाएंगे, कैसे निषेचन होगा, वो आपको हम कल अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। तो आप इसका जो डायग्राम आपको देख रहे हैं बना लेना, अगर कोई दिक्कत है आप बता देना। इस प्रकार से विलेज इंटर कॉलेज राजगढ़ से नीरज कुमार सोनी आपको ये सेकंड लेसन आपको पढ़ाया है। धन्यवाद।